संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो, कोई धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है। गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियां बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा? लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी कर दे, सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पे जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो एक आयोजन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं देंगे आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है, इसलिए आपसे कह रहा हूं न्याय जरूर से अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं।